इस लॉकडाउन को ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इमरजेंसी जैसा इसको स्वीकार किया है। सुना आपने, जहां एक तरफ देश दुनिया के शोधकर्ता कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, सूबे के सीएम भी सोशल डिस्टेंसिंग को सख्त रूप से लागू करने में लगे हैं, वहीं उनके विधायक कहते हैं कि भैया ये लॉकडाउन तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो इमरजेंसी हो। ये हैं पीलीभीत के बीसलपुर से बीजेपी विधायक रामचरण वर्मा, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन को इमरजेंसी जैसा बना दिया है। पुलिस को लग रहा है कि यह आपातकाल जैसा समय आ गया है, इसलिए विधायक साहब ने खुलेआम पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दमन, शोषण और वसूली कर रही है। इस लॉकडाउन को ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इमरजेंसी जैसा इसको स्वीकार किया है। उसको लग रहा है कि ये इमरजेंसी जैसा, आपातकाल जैसा समय आ गया है, और इसलिए पुलिस ने लोगों के साथ अत्याचार, दमन, शोषण, उत्पीड़न और वसूली करना शुरू कर दिया। दरअसल विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक फौजी और पुलिस में लॉकडाउन का पालन न करने पर हाथापाई शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद पल भर में सैकड़ों गांव वाले मौके पर आ गए थे और पुलिस के साथ मारपीट भी की। इसी संबंध में विधायक साहब लोगों से मिलने पहुंचे थे। थाना बिलचंडा की घटना संज्ञान में आई है, जिसमें लॉकडाउन का पालन कराने के पुलिस कर्मियों से कुछ लोग अनावश्यक ही उलझ गए। उक्त घटना पर FIR दर्ज करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लॉकडाउन का पालन कराने में हमारी मदद करें, हमारा सहयोग। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, UP तक।